हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ब्रजेश कुमार विद अ न्यू वीडियो बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, यह वीडियो शेक्सपियर द्वारा लिखित कॉमेडीज पर आधारित है, जो इस प्रकार से है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसकी रचना शेक्सपियर ने 1601 से लेकर 1605 में किया था और इसका पब्लिकेशन 1623 अर्थात इनकी फर्स्ट फोलियो में हुआ था। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसकी रचना 1589 से 1594 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और ये भी 1623 में पब्लिश हुई थी अर्थात इनकी फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। लव्स लेबर लॉस्ट की रचना 1594 से 1595 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन 1598 बताया जाता है, हालांकि ये डिस्प्यूटेड है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की रचना 1596 से 1597 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन 1600 बताया जाता है। टेमिंग ऑफ श्रीव, इसकी रचना 1590 से 1594 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था, इसका पब्लिकेशन इनकी फर्स्ट फोलियो अर्थात 1623 में हुआ था। ट्वेल्थ नाइट, इसकी रचना 1600 से 1602 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन इनकी फर्स्ट फोलियो अर्थात 1623 में हुआ था। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की रचना जो है 1595 से 1596 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका जो पब्लिकेशन है वो 1600 में बताया जाता है। द टू जेंटलमैन ऑफ वीरोना की रचना 1592 से 1594 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन इनके फर्स्ट फोलियो अर्थात 1623 में हुआ था। एज यू लाइक इट, इसकी रचना 1599 में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन 1623 में अर्थात इनके फर्स्ट फोलियो में हुआ था। सिम्बलिन की रचना 1608 से लेकर के 1610 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन भी इनके फर्स्ट फोलियो अर्थात 1623 में हुआ था। मेजर फॉर मेजर, जो कि 1603 से 1604 के बीच में शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया नाटक था और इसका जो पब्लिकेशन है वो 1623 में हुआ था अर्थात इनके फर्स्ट फोलियो में हुआ था। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर की रचना 1606 से 1608 के बीच में बताया जाता है और इसके विषय में बताया जाता है कि ये इनके फर्स्ट फोलियो में नहीं शामिल हुआ अर्थात 1623 में इसको पब्लिश नहीं किया गया। द टेम्पेस्ट, इसकी रचना 1611 में बताया जाता है और इसका पब्लिकेशन 1623 अर्थात इनकी फर्स्ट फोलियो में हुआ था। द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर की रचना 1597 से 1601 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन भी 1623 अर्थात इनकी फर्स्ट फोलियो में हुआ था। मच एडो अबाउट नथिंग की रचना 1598 से 1599 के बीच में किया था शेक्सपियर जी ने और यह भी 1623 में पब्लिश हुआ था अर्थात इनकी फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। द विंटर्स टेल की रचना 1609 से 1611 के बीच में शेक्सपियर जी ने किया था और इसका पब्लिकेशन भी 1623 अर्थात इनके फर्स्ट फोलियो में हुआ था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे शेक्सपियर की जो ट्रेजडीज हैं उन पर बेस्ड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।